अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। 10th क्लास का पोस्ट टेस्ट के आंसर्स, सब्जेक्ट साइंस फर्स्ट के विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। कुल जो है नंबरात 15 रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तजे ज़ेल सवालात हल कीजिए। ज़ेल की शक्ल में दिखाई गई सरगर्मियाँ न्यूटन के रफ्तार से मुतालिक किस उसूल पर मबनी है, लिखकर वजाहत कीजिए। यहाँ पर एक शख्स पैराशूट पहनकर जो है हवा में उड़ रहा है, तो ये न्यूटन के तीसरे कानून पर मुनहसिर है। हर एक क़ुव्वत अमल के लिए मसावी असर का उसी वक्त होने वाले क़ुव्वत रद्द अमल मौजूद होता है और उनकी सिमत एक दूसरे के मुखालिफ होती है। अगला सवाल है, ज़ेल में दिखाई गई कार्बन के जोहरों की तरतीब कार्बन के किस बहरूप की है, इसे पहचान कर उसकी खसूसियत लिखिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जोहरों की जो तरतीब है वो मुनज़्ज़म है, सिस्टमेटिक है, जो हीरे के अंदर होती है। तो शक्ल में दिखाया गया कार्बन का बहरूप हीरा है। खसूसियत में हीरा कुदरती मादों में सबसे सख्त है। किसी भी मुहल्लिल में हीरा हल नहीं होता। हीरे पर तेजाब या असास का कोई असर नहीं होता और हीरा बर्फ का गैर मौसिल। अगला सवाल है, दर्ज ज़ेल जदवल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर अशिया दी गई है तेजाब असास और मजहर दिए गए हैं लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथेरीन, जिसके अंदर तेजाब नीला लिटमस पेपर वो लाल हो जाता है और लाल ही रहता है। मिथाइल ऑरेंज गुलाबी हो जाता है, फेनोल्फथेरीन बेरंग रहता है, जबकि असास के अंदर नीला लिटमस नीला ही रहता है, लाल लिटमस नीला हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज के अंदर जो है पीला हो जाता है और फेनोल्फथेलिन जो है गुलाबी रंग को बतलाता है, जिससे हम असास की पहचान कर सकते हैं। मिखर आईने के सामने जिस मरकजी इन्हना पर मौजूद हो तो अक्स का मुकाम, अक्स की नोयत, अक्स की जसामत, तजज़े शक्ल मुकम्मल करके वाज़ह कीजिए। तो कोई अगर जिस्म मरकज़ इन्हना पर हो तो क्या होगा? तो आप देख सकते हैं मरकज़ इन्हना पर अगर कोई शख्स होगा तो उसका अक्स की नोयत हकीकी और उल्टा रहेगा, जबकि अक्स की जसामत जिस्म के बराबर रहेंगी। शक्ल के साथ आप वजाहत कर सकते हैं। अगला सवाल है, दर्ज़े शक्ल का मुशाहिदा करके शुआई खाका बनाने के क़वानीन लिखिए। पहली शक्ल के अंदर आप देख सकते हैं कि पहला जो क़ानून बनता है, अगर शुआई वक़ू ये वाला जो है पहला, अगर आप देखें तो शुआई वक़ू जो है महवर ख़ास के मुतवाजी हो तो शुआई मुनक्किसा नुक्ते मास्का से गुजरती है। तो ये पहला देखिए शुआई वक़ू जब महवर ख़ास इसके जो है मुतवाजी हो तो शुआई मुनक्किसा नुक्ते मास्का से, ये नुक्ते मास्का से गुजर रही है। अगर शुआई वक़ू नुक्ते मास्का से गुजरती हो तो शुआई मुनक्किसा महवर ख़ास के मुतवाजी होंगी। आप सेकंड टाइम देखिए कि शुआई वक़ू क्या हो रही है, नुक्ते मास्का से गुजर रही है, तो वो क्या होती है, महवर ख़ास के मुतवाजी यानी उसे कहते हैं अगर कितना भी आगे बढ़ा दिया जाए तो वो एक दूसरे से नहीं मिलते। तीसरा जो है, अगर शुआई वक़ू मरकज़ इन्हना से, ये मरकज़ इन्हना है, इन्हना से गुजरती हो तो शुआई मुनक्किसा उसी रास्ते से पलट जाती है, तो टकराएंगी और उसी रास्ते से पलट जाएंगी। ये तीन क़वानीन हैं शुआई खाके के। अगला सवाल, ISRO के ज़रिए दागे गए मसनवी सैारे सैटेलाइट के मुतालिक मालूमात का खाका मुकम्मल कीजिए। इसरो ये हमारे भारत का स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से सैटेलाइट को खला के अंदर भेजा जाता है। और इस साल जो है इसरो ने चंद्रयान 3 जो है चांद की तरफ भेजा है, जो चांद पर पहुंचकर जो है मालूमात इकट्ठा करेगा, जमा करेगा। तो मुख्तलिफ सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, जिसके अंदर सबसे एक है इनसेट INSAT, जिसका इस्तेमाल टेलीविज़न नशरियात के लिए किया जाता है। दूसरा है जी सेट GSAT, जिसका इस्तेमाल
मौसमियाती खिदमात के लिए किया जाता है। तीसरा जो है एजुसेट है, EDUSAT एजुकेशन के ताल्लुक से तालीम के मैदान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा है ISR जो आफात के हुस्न इंतज़ाम में हेल्प करता है, मदद करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये पोस्ट समझ में आया होगा और इसकी आप स्टडी करके जो है अच्छे नंबर से लिखेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू।